नहीं देखिए, आपको शायद ठीक से थोड़ा और पीछे जाइए, लोहिया जी ने शुरुआत की थी तो कांग्रेस में ही थे, बाद में कांग्रेस पार्टी से अलग हुई, इसलिए यह कहना कि आजीवन ठीक है, जो राजनीति का उनका दौर था उसमें कभी विरोध में समर्थन में यहीं बैठे हुए हम लोग हैं, या एनडीए में भी देख लीजिए, कोई साथ कभी कोई अलग कभी, यह तो एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके तहत बातें चलती हैं। लेकिन लोहिया जी के बारे में यह कहना कि आजीवन ठीक है विरोध में रहे, शुरुआत कांग्रेस से ही उन्होंने की। तेजस्वी जी मांझी जी कहाँ? अभी तो आप पता कर लीजिए। देखते ही रहे। कोई जरूरी नहीं है सारे कार्यक्रमों में सभी बैठकों में सब लोग हों। देखिए हमने कहा कि जो इस कमिटी के लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि, उनकी उपस्थिति है यहाँ। हम पार्टी के भी प्रतिनिधि हैं, आरजेडी के भी प्रतिनिधि हैं, मुकेश सहनी जी तो स्वयं हैं और बाकी हम लोग हैं ही, तो सभी पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। और ये आपका विषय है, ये आपका विषय है, हम लोग का नहीं। अरे कुछ लोगों से तो आप लोग बुलवा लेते हैं, बुलवा लेते हैं, इसलिए ऐसी बात आ जाए। मेरे ऊपर आपका यह अस्त्र नहीं चल सकता है, कृपा कीजिएगा। इस सवाल का जवाब मैंने दिया ना, आप लोग कुछ लोगों से बुलवा लेते हैं, अपनी बात उनके मुंह में डाल के कहवा लेते हैं। हम बोले, हमने कहा है कि दो सीटों पर हम उपचुनाव में लड़ेंगे, महागठबंधन इस पर जल्द ले फैसला, नगर और किशनगंज का। देखिए ये सब अंदर की बात है और समय पर बात होगी, मीडिया के माध्यम से ऐसी चीजों पर चर्चा नहीं हो सकती है। क्या हमने कहा कि महागठबंधन हमारा मजबूती से है, जो आप देख रहे हैं आगे भी रहेगा और चुनाव में बिहार की जनता को न्याय दिलाएंगे। बिहार की जनता उनको नकार रही है भैया, न स्कूल में शिक्षा का इंतजाम 15 साल में हुआ, न अस्पताल में गरीबों के लिए दवा का इंतजाम हुआ, न नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम हुआ, तो बिहार की जनता अब नकार रही है। अब मेरे बारे में क्या पूछ रहे हैं? देखिए हमने कहा, उसका मैंने जितना कहा उससे उत्तर आपको मिल जाना चाहिए। कुछ लोगों से आप लोग अपनी बात उनके मुंह में रख के कहवा लेते हैं और उसी बात को जनता के बीच भेजते हैं, तो कंफ्यूजन इसी कारण से होता है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उनको भी बोले दीजिए। नहीं, आप इनसे सवाल पूछिए तो बोलेंगे, आप इनसे सवाल पूछिए तो बोलेंगे। कमीशन की ओर से होगी, अभी तो बताना होगा तब बताएंगे। अब उस दिन की बात आज ही, अब आप यह कह दीजिए कि उस दिन क्या भाषण दीजिएगा, अभी दे लीजिए, अब ऐसा थोड़े होता है। उस दिन क्या भाषण देंगे, उस दिन देंगे। हाँ, हमारी कोशिश, हम इस मामला में देखिए, उस दिन कोई आ जाए कार्यक्रम में, इसका मतलब महागठबंधन का दायरा बढ़ गया ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश हमारी जरूर है, हमने आमंत्रण दिया है। और एनडीए से बाहर की जो दूसरी पार्टी मुख्य रूप से लेफ्ट है, उनको भी आमंत्रण है, अभी आने की बात उधर से नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है। क्या कहा है? अब राम विलास पासवान जी की बात, उसका क्या अर्थ हुआ भाजपा के लोगों से पूछिए, सीपी ठाकुर जी से पूछ लीजिए, तो शायद वो बेटर इसका जवाब दे पाए। Something.